सच कहूं तो कथक मेरी साधना है, इसलिए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि इस विषय पर एक संपूर्ण रूप से बातचीत करने का मुझे मौका मिला। हमारे कथक जगत में एक बड़ी ही लोकप्रिय कहावत है, कथा कहे सो कथक, यानी जो कथा करता है वो कथक है। अर्थात जो देवी देवताओं के चरित्र का वर्णन करता है वो समाज के लिए आत्मबोध के दरवाजे खोल देता है। विषय वस्तु की प्रस्तुति से भाव व्यक्त करते समय जो गाता और नाचता है वो कथक है। इसकी शुरुआत हुई प्राचीन काल में रामायण के समय से, यानी ईसवी पूर्व छठे दशक में, जब ऋषि वाल्मीकि और भगवान राम जी की उपस्थिति में लव कुश ने उनके सामने राम कथा प्रस्तुत की थी। तब से लोग यही मानते आ रहे हैं कि इस कथक कला का आरंभ यहीं से हुआ। इसके बाद महाभारत काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। जिस समय अर्जुन वनवास में थे उस समय उनके समूह में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कथक करते थे, ऐसा कहते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं जैन साहित्य में भी कथक और कहुगा जैसे शब्दों का भी उल्लेख मिलता है। पाणिनि के 8वें अध्याय में भी इसका उल्लेख है। मतलब ये कि कथक एक बहुत ही प्राचीन नृत्य कला है। वृंदावन धाम है, धनी वृंदावन नाम, धनी वृंदावन रसिक जन सुमिरे रा।